Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. Welcome friends, self adhyayan par loan base par hamara ye last formula hai aur exam mein is tarike se bhi aapko sheets mil sakti hai dekhne ke liye. आप किस तरीके से उसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ. कैलकुलेशन से मेरा मतलब है एग्ज़ाम में आपको कैसे लिख कर आना है. अगर एक्सेल में आप इसकी पूरी कैलकुलेशन चाहते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर या इसके वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं कैसे इन सब चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे. फिलहाल तो मेरा मेन मोटिव है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना कि एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको वो कैसे करना है, सिंपल इक्वेशन आपको कैसे टाइप करनी है. क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको वहाँ पे नहीं करना, आपको सिर्फ फार्मूला पुट करके आना है और वो कैसे करना है वही आज की क्लास में हम देखने वाले हैं. तो यहाँ पर लोन अमाउंट मेंशन है, आप देख सकते हैं 8 लाख रुपये का जो कि B1 सेल के अंदर मेंशन है. रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है 10%, ईयर मेंशन है 5 ईयर और मंथ यहाँ पर 60. हो सकता है एग्ज़ाम में आपको या तो मंथ मिले या ईयर मिले या दोनों मिल जाएं, ऐसा हो सकता है. लेकिन आप मान के चलिए अगर ईयर मिलता है तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए उसे 12 से आपको डिवाइड कराना पड़ेगा. और मंथ में ही अगर आप ईएमआई निकाल रहे हैं तो भी आपको रेट को डिवाइड बाय 12 कराना पड़ेगा. लेकिन सीधे सीधे अगर आपको मंथ दिया है तो फिर वहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है. मंथ आपको मेंशन है, आपको सीधे सीधे वही लेना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको बस 12 से डिवाइड कराना होगा. अभी पूरा इक्वेशन हम देखेंगे अच्छे से. अभी तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के रूप में बताया. यहाँ पर 6th रो पर आप देखें इंस्टॉलमेंट आपसे पूछा गया है ईयर वाइज, उसी के नीचे इंस्टॉलमेंट पूछा गया है मंथ वाइज. रीपेमेंट कैलकुलेशन करना है और रीपेमेंट आपको या तो मंथ वाइज पूछा जा सकता है या ईयर वाइज. इंटरेस्ट पेमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट भी आपसे या तो ईयर वाइज पूछ लिया जाएगा या मंथ वाइज. और इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो ईयर वाइज या मंथ वाइज, और इफ़ेक्टिव ईयर ऑफ इंस्टॉलमेंट या इफ़ेक्टिव मंथ ऑफ इंस्टॉलमेंट. ये चीज़ें आपसे अगर पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में तो आपको किस तरीके से फार्मूला पुट करके आना है वही मैं आपको अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो नॉर्मली PMT फार्मूला हम सभी को पता है कि हम EMI निकालने के लिए कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो मंथ वाइज हो या ईयर वाइज. PPMT हमारा रीपेमेंट के लिए यूज़ होगा, IPMT फार्मूला हमारा इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज़ होगा जो आगे हम देखने वाले हैं. तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूले को पूरा शीट्स पर ही एक्सप्लेन करते हुए. अगर हमसे पूछा जाता है इंस्टॉलमेंट ईयर वाइज तो हमें सिंपली फार्मूला अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं. पहले हमें देना होगा रेट का सेल नंबर जो कि है हमारा 10% B2 सेल में. उसके बाद देना होगा हमें यहाँ पर N पर यानी कि नंबर ऑफ ईयर, क्योंकि ईयर वाइज पूछा गया है और नंबर ऑफ ईयर हमें मेंशन है यहाँ पर 5 और वो है B3 सेल के अंदर. और तब हमारा जो लास्ट पैरामीटर होगा वो है हमारा लोन अमाउंट जो कि हमें माइनस के साथ डिफाइन करना है हमारा B1 सेल नंबर. तो इंस्टॉलमेंट ईयर वाइज हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं और हमें अच्छे से ये सारी चीज़ें पता हैं. दूसरा यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट मंथ वाइज हम निकालेंगे उसमें हमें रेट को करना होगा डिवाइड बाय 12. सीधा सीधा हम यहाँ पर अगर B4 की जगह हमें ईयर दिया हो तो हम यहाँ पर लेंगे B3 मल्टीप्लाई 12. वो तब लेंगे जब हमें सिर्फ ईयर दिया हो. अगर हमें मंथ मेंशन है तो डायरेक्टली हम उसका सेल नंबर ले लेंगे जो कि है हमारा B4 सेल नंबर. तो दोनों में से आप जो मर्जी ले सकते हैं. दूसरा केस है हमारा यहाँ पर 5 × 12, वो भी ऑटोमेटिकली 60 ही हो जाएगा. और लास्ट पैरामीटर हम सभी को पता है लोन अमाउंट हमें यहाँ पर मेंशन करना है. अब बात करते हैं रीपेमेंट की, और रीपेमेंट निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है PPMT. PPMT में हमसे पूछा गया है 8वें मंथ के लिए, तो ये है हमारा पर. एक होता है एन पर और एक होता है पर. पर मतलब हमसे किस मंथ के लिए या किस ईयर के लिए पूछा गया है. एन पर मतलब टोटल नंबर ऑफ मंथ या टोटल नंबर ऑफ ईयर, वो कुछ भी हो सकता है. तो रीपेमेंट ऑफ लोन पूछा गया है हमसे 8वें मंथ के लिए. सबसे पहले तो हमें रेट लेना है क्योंकि मंथ वाइज पूछा गया है तो डिवाइड बाय 12 कराना होगा हमें यहाँ पर. रेट के बाद पूछा जाता है पर. फॉर्मूले में 4 चीज़ें होती हैं. पहला होता है रेट, देन कोमे के बाद होता है पर, देन कोमे के बाद होता है हमारा एन पर, और फिर होता है हमारा लोन का अमाउंट. तो इस तरीके से 4 पैरामीटर इस फॉर्मूले में होते हैं. 8वां नंबर हमने यहाँ पर दिया है क्योंकि पर हमारा है 8,
बी फोर क्योंकि मंथ वाइज पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ जो मेंशन है वो है 60 और लास्ट में हमारा लोन अमाउंट। अगर हमसे रीपेमेंट पूछा गया है या प्रिंसिपल पेमेंट पूछा गया है वो भी ईयर वाइज, तो सीधा हमें फार्मूला तो पीपीएमटी ही पुट करना है। यहाँ पर हमें सिंपली रेट का सेल नंबर देना है, पर हमारा है 2, एन पर हमारा टोटल नंबर ऑफ ईयर है 5 जो कि B3 सेल के अंदर है, और माइनस के साथ हमारा लोन अमाउंट। तो अब तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ये चार टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इंस्टॉलमेंट ईयर वाइज, इंस्टॉलमेंट मंथ वाइज, रीपेमेंट मंथ वाइज और रीपेमेंट यहाँ पर ईयर वाइज। अब इंटरेस्ट पेमेंट की अगर बात करें तो हमें सिंपली फॉर्मूला बदलना है जो कि है IPMT। इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे पहला हमारा सेल होता है रेट का, सबसे पहली वैल्यू होती है हमारी रेट की। हमसे पहले ईयर के लिए पूछा गया है तो हमारी पर वैल्यू है 1, एन पर नंबर ऑफ टोटल ईयर हमारे B3 सेल में है, और उसके बाद हमारा लोन का अमाउंट। इसी तरीके से हमें मंथ वाइज अगर पूछ लिया जाता है तो रेट को तो हमें 12 से डिवाइड करना ही करना है। सिंपली हमें 4 मंथ के लिए पूछा गया है तो हमारी यहाँ पर वैल्यू है 4, एन पर यानी कि टोटल नंबर ऑफ मंथ, हम चाहें तो इसकी जगह B4 सेल भी दे सकते हैं या हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, अभी हमने ऊपर इसके बारे में डिस्कस करा था। लास्ट पैरामीटर है हमारा लोन अमाउंट का जो कि है B1। तो ये थे हमारे इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट और इंस्टॉलमेंट। अब अगर आपसे पूछा जाता है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर हमारा चूँकि फॉर्मूला होता है रेट फंक्शन, और रेट फंक्शन के अंदर जो पहला पैरामीटर होता है हमारा वो होता है नंबर ऑफ ईयर यानी कि एन पर, क्योंकि ईयर वाइज पूछा गया है और वो हमारा B3 सेल में डिफाइन है, तो हमें यहाँ पर ईयर पास कराना है एन पर यानी कि B3 सेल नंबर। उसके बाद ये जो है हमारा पेमेंट है, पेमेंट हमारा जो निकल चुका है इंस्टॉलमेंट जो हमने निकाली थी B6 सेल के अंदर ईयर वाइज, वो सेल नंबर हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, और लास्ट पैरामीटर होता है हमारा लोन अमाउंट का। तो रेट फंक्शन हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए होता है। ईयर वाइज अगर दिया गया है तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर देने हैं, यहाँ पर हमें EMI जो निकाली थी हमने ईयर वाइज वो मेंशन करनी है, और लोन अमाउंट। अगर हमसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथ वाइज पूछ लिया जाता है तो फॉर्मूला हमारा होगा रेट, हमें यहाँ पर देना है अपना एन पर यानी कि नंबर ऑफ मंथ जो कि B4 सेल में है, B7 क्योंकि हमारी EMI यानी कि पेमेंट PMT जो कि हमने मंथ वाइज निकाली थी B7 सेल के अंदर वो हमें डिफाइन करनी है, और यहाँ पर हमारा लोन अमाउंट। क्योंकि हम इफ़ेक्टिव रेट मंथ वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं और मंथ वाइज में हमें ये अभी एक महीने की मिली है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, जिससे हमें हमारे 12 महीने की EMI देने के बाद यहाँ पर इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल के आ जाएगा मंथ वाइज का। अब हमें इफ़ेक्टिव ईयर ऑफ इंस्टॉलमेंट पता करना है, यानी कि ईयर कितने हैं, मंथ वाइज कितना है या ईयर वाइज कितना है, तो ये हमारे एन पर निकालने का फॉर्मूला है। एन पर के अंदर हमारे जो पैरामीटर होते हैं, सबसे पहले हमारा होता है रेट, B2 सेल नंबर, B6 सेल नंबर जो कि हमारी पेमेंट है, और माइनस के बाद लोन अमाउंट। इसी तरीके से अगर हम मंथ वाइज निकाल रहे हैं तो हमारा जो सेल है B2 रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हमें डिवाइड करना होगा 12 से, EMI का अमाउंट जो कि हमने निकाला था मंथ वाइज वो सेल नंबर हमें यहाँ पर पास करना है B7 जो कि ऊपर हम अच्छे से देख चुके हैं, और उसके बाद लोन अमाउंट। यहाँ पर जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी थी, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की, उसमें मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दिया है, और ये एग्ज़ाम में नहीं आता। इफ़ेक्टिव रेट आता है जिसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, जिसके लिए हमें लगाना होगा इक्वल, और फंक्शन का नाम है उसका इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर आते हैं हमारे, पहला पैरामीटर होता है हमारा जो हमारा नॉमिनल रेट है, जैसा कि B2 सेल नंबर हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, और कोमे के बाद हमसे ईयर वाइज पूछा जाएगा तो यहाँ पर हमें डाल देना है B5। सिंपली हमें दो पैरामीटर देने हैं इफ़ेक्टिव के लिए। इफ़ेक्ट फंक्शन हमारा होता है एक्सेल के अंदर, उसके बाद हमारा यहाँ पर जो रेट है वो सेल हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, दूसरा हमें यहाँ पर अपना टोटल नंबर ऑफ ईयर का सेल नंबर यहाँ पर डिफाइन करना। तो होपफुली आपको सारे स्टेप्स अब अच्छे से आ चुके होंगे, इनके बारे में PDF ऑलरेडी अपलोडेड है वेबसाइट पर, स्टेप बाय स्टेप वहाँ सारी PDF मेंशन है, एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर वाइज वहाँ पर मेंशन है, और आपको
सारे के सारे हेल्पफुल वीडियोस भी स्टेप बाय स्टेप वहाँ वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे, तो मेंबर्स वहाँ से उनको डाउनलोड कर पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से स्टडी करने के बाद आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।